आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए, हम सब्जी तो सभी खाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सी वेजिटेबल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या फिर अगर हमें विटामिन ए की कमी है तब हमें कौन सी सब्जी खानी चाहिए, या फिर विटामिन बी की कमी है तो हमें कौन सी सब्जी खानी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में कि कौन सी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए, विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन्स हमारी होलिस्टिक हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चाहे अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर हमारी फिजिकल बॉडी की बात करें, विटामिन्स हर किसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें अपने स्किन की, या फिर आँखों की, अपने हेयर की, अपने नेल्स की, या फिर अपने इंटरनल ऑर्गेन्स की बात करें, या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन की, सबके लिए विटामिन्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं। चाहे घुटनों की बात करें, हमारी हड्डियों की बात की जाए, या फिर हमारे दांतों की बात की जाए, या हमारे मसूड़ों की बात की जाए, या हमारे इम्यून सिस्टम की बात की जाए, प्रतिरक्षा प्रणाली की बात की जाए, तो सबके लिए विटामिन काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं कौन सी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगर आप फलों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से फल में, कौन से फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कौन से फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगर हम गाजर की बात करें, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मूली, मूली में पाया जाता है विटामिन सी। अगर हम हरे प्याज की बात करें, हरे प्याज में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन सी। चुकंदर की बात करते हैं तो चुकंदर, बीटरूट, बीटरूट में पाया जाता है विटामिन बी और विटामिन सी। भिंडी, भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अरबी की बात करें, अरबी में पाया जाता है विटामिन B6, विटामिन ए। कद्दू की बात करें तो कद्दू में पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन ए। मशरूम, मशरूम में पाया जाता है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में। लहसुन की बात करें तो लहसुन में पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन बी। टमाटर, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। आलू में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। प्याज की बात करें, प्याज में पाया जाता है विटामिन बी और विटामिन सी। फूल गोभी की बात की जाए तो उसमें पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन ई। बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसे हम कहते हैं, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बैगन, बैगन में विटामिन सी पाया जाता है। मटर, मटर में देखिए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में विटामिन ए पाया जाता है। सेम, सेम की बात करें तो सेम में पाया जाता है विटामिन B6। लौकी, लौकी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B3 और विटामिन B6। करेले, करेले की बात करें तो करेले में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। चिचिंडा, जिसे हम स्नेक गॉड भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है विटामिन ई भरपूर मात्रा में। कटहल, कटहल में पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन सी। कंटोला, या फिर कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं, ककोरा भी कहते हैं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 और D3 और D2 विटामिन्स और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तुरई की बात करें, तुरई में विटामिन ए, B6 और विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम परवल की बात करें, परवल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन 6 पाया जाता है, B6 और विटामिन सी पाया जाता है। बीन्स की बात करें, बीन्स में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सी वेज में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगर आपको किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो आप उसके हिसाब से अपने डाइट में सब्जी को शामिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।